Hi, assalamu alaikum class. ये हम लोगों की जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ है उसका पहला एडिशन है, जिसके अंदर हम प्रोसेसर डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है, इट बेसिकली रिवॉल्व्ड अराउंड टू पॉइंट्स। एक तो हमने बहुत ज़्यादा तफसील से जिक्र किया था कि हम अपने प्रोसेसर का या अपने प्रोसेसर के डिज़ाइन का, देखिए एक तो आपके पास हार्डवेयर प्रोसेसर है, दूसरा आपके पास वो डिज़ाइन है, वो आर्किटेक्चर है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर बेस करके वो प्रोसेसर बनाया गया है। तो उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं? हाउ कैन वी गिव अ नंबर टू दैट प्रोसेसर और इट्स डिज़ाइन और इट्स आर्किटेक्चर? इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत तफसील देखी थी टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स। उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ थी हमारे पास, वो एज यू ऑल नो के एग्जीक्यूशन टाइम को हमने बेस बनाया था। एग्जीक्यूशन टाइम मालूम करते थे और फिर हम ये देखते थे कि किसी भी प्रोसेसर डिज़ाइन के अंदर हम कोई मॉडिफिकेशंस अगर कर रहे हैं तो इज़ इट इम्प्रूविंग दी परफॉर्मेंस और नॉट, एंड दी पैरामीटर विच वॉज़ यूज टू मेजर वेदर इट हैज़ इम्प्रूव्ड और नॉट, टू डिसाइड वेदर इट हैज़ इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और नॉट, वॉज द एग्जीक्यूशन टाइम। उसके बाद हमने आर्म डाल्स लॉ देखा था, जिसके अंदर वी टॉक अबाउट टारगेटेड इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसके तीन सब सिस्टम्स हैं फॉर एग्जांपल, और हर एक सब सिस्टम जो है इट हैज़ अ सर्टन, सो फॉर एग्जांपल यू गॉट द प्रोसेसर, यू गॉट द मेमोरी एंड यू गॉट द इनपुट एंड आउटपुट। हमने ये कहा था कि इफ़ वन ऑफ दी सब सिस्टम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेमरी, अगर हम इसको बेहतर कर देते हैं, इट डज़ नॉट मीन कि पूरे के पूरा जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल द मेमरीज परफॉर्मेंस हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, इट डज़ नॉट मीन कि पूरे के पूरा आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस 20% से इंक्रीज़ हो गई है। नो, ऐसा नहीं है। The improvement is only for this part of the system, whatever the percentage of this part is. So that was Amdahl's law. इसके बारे में हमने काफ़ी तफसील से बात की थी। And we also talked about one of the standards that are used in order to compare different processor families or different processors. So for example, if you want to know whether i7 is performing better than ARM processors, for example, or AMD processors, we use something known as a spec ratio. Secondly, हमने बहुत ज़्यादा तफसील से बात की थी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की, एंड दैट टू आर्म वर्जन 8 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो हमारा जो मेन मकसद था वो हरगिज़ ये नहीं था कि प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में बात की जाए या प्रोग्रामिंग जो है वो सीखी जाए आर्म वर्जन 8 में। इंस्टेड व्हाट वी वांटेड टू डू इज़ दैट वी वांटेड टू गेट आवर सेल्व्स फैमिलियराइज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। हमें ये पता है कि आर्म वर्जन 8 जो है वो एक रिस्क आर्किटेक्चर है, और रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर मैक्सिमम कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो एक डेफिनेट फॉर्मेट को फॉलो करें। तो इसलिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की, बेसिकली हमने 6 मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स देखे थे। सो वी हैड द आर टाइप, द आई टाइप, द डी टाइप, द सी बी टाइप, द बी टाइप एंड द आई डब्ल्यू टाइप। हमने 6 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स देखे थे इंस्ट्रक्शन के, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो हैं बी आर वर्जन 8 बीइंग रिस्क आर्किटेक्चर, हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो हैं दे फॉलो अ सर्टन डेफिनेट फॉर्मेट और पैटर्न। सो हमने ये तो हमने करने की ये कोशिश की थी कि वी टुक सम सैम्पल्स फ्रॉम ईच टाइप ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन। सो वी some R type instructions like the add, the subtract, the ors and the ands and things like that, and then we took some examples from D type, the LDUR and the STUR and so forth. So you all know कि हमने कौन कौन सी instructions जो थी वो काफ़ी तफसील से देखी थी। There were two, अच्छा, और हमने ये भी देखा था कि उन instruction को फिर, चूंकि हमें ये मालूम है कि every instruction is basically a 32-bit stream, हमने ये भी देखा था कि उन instructions को 32 बिट्स में कन्वर्ट कैसे करना है। तो हमने फील्ड्स की बात की थी, वी टॉक अबाउट द ऑप कोड एंड द डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड द ऑपरेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड वेयर डू दे अकर इन दोज 32 बिट्स विच इन दोज 32 बिट्स विच आवर इंस्ट्रक्शन इज सपोज टू बी कन्वर्टेड इन टू। दो कॉन्सेप्ट्स थोड़े से गौरतलब थे, सो वी डिड स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग दैम। मेमोरी एड्रेसिंग की हमने बात की थी,
स्पेसिफिकली क्योंकि जो मेमोरी एड्रेसिंग हमारे पास LDR में और STR में यूज़ होती है, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट इज़ बेसिकली अ बेस एड्रेस विच इज़ सेव्ड इन ए सर्टन रजिस्टर प्लस ए सर्टन ऑफसेट विच इज़ ए कॉन्स्टेंट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इट्सेल्फ. तो मेमोरी एड्रेसिंग जो थी इट वॉज इन दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो वी डिड स्पेंड सम टाइम डिस्कसिंग द मेमोरी एड्रेसिंग. सिमिलरली प्रोसीजर कॉल्स के बारे में भी हमने बात की थी कि जब आप एक प्रोसीजर कॉल कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनको हमें मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनको हमने मेंटेन एंड प्रिजर्व नहीं करना. नेस्टेड कॉल्स में हम क्या करते हैं, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दीज टू इंस्ट्रक्शंस विच फॉर्म द बेसिस फॉर प्रोसीजर कॉल, द ब्रांच एंड लिंक BR इंस्ट्रक्शन एंड द ब्रांच रजिस्टर BR इंस्ट्रक्शन. एट दी एंड हमने थोड़ा सा जो जिक्र है वो कंप्यूटर अरिथमेटिक का भी किया था, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के एल्गोरिथम्स देखे थे. हमने साइंड इंटीजर्स भी डिस्कस किए थे बहुत शुरू में, जहाँ पे हमने ये कहा था कि हम टूज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं साइंड इंटीजर्स के लिए. और हमने फाइनली फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का भी जिक्र किया था, जिसके अंदर हमने सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट और डबल प्रोजिशन फ्लोटिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट देखे थे कि उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है और उनके लिए जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर इस्तेमाल होती है रजिस्टर्स की वो क्या है. सो वी डिड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज़ विच बिल्ड्स अपॉन द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड दैट इज डिज़ाइनिंग आवर प्रोसेसर. अब प्रोसेसर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ऑल्दो वी नो दैट वी वांट टू डिज़ाइन अ प्रोसेसर दैट कैन इंप्लीमेंट द होल इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, बट दैट इज़ गोना बी वेरी कम्बर्सम. सो इंस्टेड व्हाट वी डू इज़ दैट वी टेक अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट वी थिंक आर रिप्रेजेंटेटिव इनफ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी हैव एंड ऑल्सो मैनेजेबल within the scope or the limits of this course. तो हम ये करने की कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोसेसर डिज़ाइन के अंदर कोशिश ये करेंगे हम ऐसे प्रोसेसर डिज़ाइन कर पाएँ जो कि हमारी ये दो मेमोरी एक्सेस, ये दो हमारे जो मेमोरी एक्सेस की इंस्ट्रक्शन हैं LDR और STR, इन दो को इम्प्लीमेंट कर सके. इसके साथ साथ ये चार अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं ऐड सब्ट्रैक्ट एंड और इसको इम्प्लीमेंट कर सके, और दो अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सके. सो दिस बी द अनकंडीशनल ब्रांच इज अ बी टाइप इंस्ट्रक्शन एंड द सी बी जेड इज़ बेसिकली ए सी बी टाइप इंस्ट्रक्शंस. तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे डी टाइप आ गई है, हमारे पास ये चार आर टाइप आ गई हैं, हमारे पास बी टाइप है और सी बी टाइप है. सो वी स्टार्ट by considering these four different types of instructions and which are, you know, representative enough of the different type of instructions that we have. To hum basically karne ki koshish ye karenge in the next few lectures ke in instructions ko implement karne ke liye hame jo processor chahiye, we will try to design that processor. Processor design ki basically two parts hai. पहला पार्ट तो यह है कि उसका सबसे पहले डेटा पाथ बनाया जाए. डेटा पाथ बनाने का मतलब ये होता है कि हम ये देखें कि वो डेटा जिसके ऊपर हमने ये ऑपरेशंस करने हैं. नाउ लेट लुक एट इट, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम कर रहे हैं इन इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हुए. सो फॉर एग्जांपल वी आर लोडिंग सम डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द प्रोसेसर, और वी आर स्टोरिंग सम डेटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द मेमोरी, और we are adding some data which is present in two different registers. So basically we have data, hamare paas basically data hai jiske upar hum mukhtalif operations kar rahe hain, right? So either hum usko load kar rahe hain ya hum usko store kar rahe hain ya hum usko add kar rahe hain, whatever it is we are basically dealing with data. Aur ye data wo hai जो या तो मेमोरी में सेव है, इन केस ऑफ दिस LDR वो मेमोरी में सेव है, या इन केस ऑफ दिस एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस वो रजिस्टर के अंदर सेव है, जहाँ पे भी है बेसिकली वो डाटा. डाटा पाथ में हम ये देखते हैं कि डाटा बेसिकली मूव कैसे कर रहा है, कहाँ कहाँ से उस डाटा को रिट्रीव किया जा रहा है,
अगर वो फॉर एग्जांपल मेमोरी में पड़ा हुआ है तो उसको रजिस्टर में कैसे लेके आया जा रहा है, या अगर वो रजिस्टर्स के अंदर मौजूद है तो उसको रजिस्टर्स में से रिट्रीव करके फैच करके ALU में कैसे लेके जाया जा रहा है, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे हो रहा है, आफ्टर ऑपरेशन जब हमारे पास रिजल्ट आ गया है देर इज़ अगेन अ बिट ऑफ डेटा, उसको किस तरीके से और कहाँ पे सेव किया जा रहा है। सो डेटा पाथ टेक्स केयर ऑफ ऑल द डेटा मूवमेंट के प्रोसेसर के अंदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, वो डेटा मूव कैसे कर रहा है। ठीक है, सो इट इज़ द डेटा पाथ दैट वी आर मोर कंसर्न्ड विद in this lecture and probably in the next lecture as well, although we will also talk about designing a control unit, to hum data path aur control unit ko saath saath leke chalenge. Okay, so we will try to see how to build a data path, and these are the instructions that we are going to implement in our processor. So designing a processor basically means designing this data path and designing the control unit. In order to design a processor, the first thing we need to do is to understand what are the steps in processing an instruction. So, ek instruction ko process karne ke liye jo steps hote hain, pehle unko samajhna zaruri hai. We can basically divide those steps into three phases. हम उनको तीन phases में divide कर सकते हैं, right? So the first phase is कि हम सबसे पहले ये देखें कि वो instruction कौन सी है जिसको हमने fetch करना है. Let's start talking about the program counter PC. हम सबको पता है कि PC एक register है जिसके अंदर जो next instruction हमने execute करनी है उसका address saved है. तो सबसे पहला काम ये होता है कि पीसी के अंदर जो भी एड्रेस हमारे पास मौजूद है हम उस एड्रेस के ऊपर जाते हैं इंस्ट्रक्शन मेमोरी में. तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, हमारे पास एक अदद इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, ठीक हो गया. और हम करते ये हैं कि इस इंस्ट्रक्शन मेमोरी के अंदर जाके हम अपनी इंस्ट्रक्शन को कर लेते हैं फैच. How do we do that? Which instruction do we need to fetch? PC tells us. तो PC हमें यह बताता है कि वो instruction कौन सी है जिसको हमने fetch करना है. So this is the first phase that your PC tells you which instruction do you want to fetch. You go on that address in the instruction memory, you fetch that instruction and you forward it to your register file. रजिस्टर फाइल के साथ हाँ फिर चले जाते हैं अपने रजिस्टर फाइल के ऊपर. ठीक हो गया. ओके, सो व्हाट यू डू, द फर्स्ट थिंग इज दैट जो एड्रेस आपके पास मौजूद है प्रोग्राम काउंटर में आप जाके इंस्ट्रक्शन मेमोरी से वाली इंस्ट्रक्शन फैच कर लेते हैं. इंस्ट्रक्शन फैच कर लेने के बाद यू नीड टू रीड वन और टू रजिस्टर्स. ठीक है, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन बताएगी कि आपने कौन कौन से रजिस्टर्स को रीड करना है. अगर तो आपके पास जो रजिस्टर्स थे वो अगर तो आपके पास जो रजिस्टर्स थे आर टाइप इंस्ट्रक्शन थी देन यू आर गोइंग टू रीड टू रजिस्टर्स. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई LDUR है या CBZ है देन यू आर रीडिंग ओनली वन रजिस्टर. बट रिगार्डलेस आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ऐड है देन यू आर रीडिंग टू रजिस्टर्स. आप टू रजिस्टर्स को रीड कर रहे हैं. इन दिस केस दैट वुड बी X1 एंड X2 व्हिच यू आर रीडिंग. ठीक है, आप ये दो रजिस्टर्स रीड कर रहे हैं एंड इट इज़ योर इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स यू कि कौन से दो रजिस्टर्स आपने रीड करने हैं. सो ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द LDUR द STUR एंड ऑल द अदर्स देयर इज रीडिंग ऑफ रजिस्टर्स इट इज देयर. एड्रेस आपको मिल जाता है PC में से, आप वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फैच कर लेते हैं एंड इंस्ट्रक्शन फैच कर लेने के बाद दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट यू हैव फैच्ड. उसको फैच कर लेने के बाद यू नीड टू रीड वन और टू रजिस्टर्स. Then
अगला स्टेप ये होता है कि रजिस्टर्स रीड कर लेने के बाद अब आप ये देखते हैं कि आपकी आपकी इंस्ट्रक्शन आपको कह क्या रही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर तो आपकी इंस्ट्रक्शन ऐड है, वो आपसे ये कह रही है कि आपने जो रजिस्टर्स रीड किए हैं इन द प्रीवियस एग्जांपल दैट वी हैड, अगर आप फॉर एग्जांपल एक्स ज़ीरो के अंदर सेव करना चाह रहे हैं एक्स वन और एक्स टू के सम को, एंड द प्रीवियस स्टेप हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू गॉट टू रीड दीज टू रजिस्टर्स, उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है कि देन यू नीड टू ऐड व्हाटएवर यू गेट फ्रॉम दीज टू रजिस्टर्स। तो आपके पास जो हमने बेसिकली शुरू में बात कर ली है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एट इंस्ट्रक्शंस ओनली, ऑफ विच फोर आर आर टाइप, टू आर ब्रांचिंग एंड टू आर मेमोरी स्टोरेज और द डी टाइप डेटा एक्सेस टाइप। हर इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई ना कोई अरिथमेटिक पोर्शन या पार्ट मौजूद है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखें, आपके पास जो आर टाइप की चार इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और एंड, जो ये चार आपके पास मौजूद हैं, इनके अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंडिंग एंड ऑरिंग हो रही है। मगर इसके अलावा जो आपके पास ये मेमोरी एक्सेस की जो आपके पास मेमोरी एक्सेस की वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, इनके अंदर भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने LER और STUR के अंदर अपना मेमोरी एड्रेस मालूम करना होता है बाय परफॉर्मिंग दिस बेस प्लस ऑफसेट। तो यहाँ पे भी आपके पास एडिशन हो रही है ना, यहाँ पे भी आपके पास एडिशन हो रही है। सो अगेन यू नीड टू इन्वोक ALU, यू स्टिल नीड टू इन्वोक ALU इन LDUR एंड STUR। सिमिलरली CBZ है, CBZ में भी आपको ज़रूरत पड़ती है इन्वोक करने की आपने ALU को, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट के इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, वेयर आर यू गोइंग टू ब्रांच। इसके बारे में हमने बात भी की थी इन द लास्ट लेक्चर कि हमारी ब्रांचिंग बेसिकली जो है वो PC रिलेटेड होती है। सो वी नीड टू परफॉर्म सम अरिथमेटिक इन ऑर्डर टू नो कि हमने जाना कहाँ पे है। हमें ALU को इसलिए भी इन्वोक करना पड़ता है फॉर द कंपैरिजन पर्पस, बट वी विल टॉक अबाउट इट। बट कहने की बात ये कि हमारे पास ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ALU को इन्वोक करती हैं सिवाय अनकंडीशनल ब्रांच के। देर इज़ नो अरिथमेटिक हैपनिंग इन द अनकंडीशनल ब्रांच, ठीक है। तो रजिस्टर हम लोग रीड कर रहे हैं, यस, मगर रजिस्टर करने के बाद ऑलमोस्ट सारी की सारी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो ALU को इन्वोक भी कर रही हैं। ALU को इन्वोक कर रही हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो एड्रेस कैलकुलेशन के लिए कर रही है, जो आर टाइप है वो ऑपरेशन के लिए कर रही है, और जो कंडीशनल ब्रांच है वो कंपैरिजन के लिए कर रही है। बट ऑल थ्री ऑफ देम दे आर इन्वोकिंग ALU। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप और द सेकेंड फेज ऑफ यूजिंग ALU। थर्डली और फाइनली वी कैन से, जब आपके पास रिजल्ट आ जाता है ALU में, सो आइदर यू स्टोर दैट रिजल्ट बैक टू योर रजिस्टर। तो एक तो आपके पास ये चीज़ होती है गो बैक टू योर आर टाइप। आर टाइप के अंदर होता ये है कि जब आपने अपना ये डिसाइड कर लिया कि जी मेरे पास एक्स वन था, एक्स टू था, उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, व्हाट यू डू आफ्टरवर्ड इज दैट यू ऐड यू सॉरी यू कॉपी वट एवर द रिजल्ट यू हैव गॉट फ्रॉम हेयर इन टू दिस डेस्टिनेशन रजिस्टर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज राइट बैक। सो वन थिंग इज दैट जब भी आपके पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, so the final touches is after you have invoked your ALU already for performing this operation, then you are going to write it back to a certain register. Similarly for LDUR, LDUR में आप ये करते हैं कि वो memory access करके उस data को वहाँ से लेके आएगा, LDUR उस data को memory access करके वहाँ से लेके आएगा और उसको save कर देगा आपके इस register के अंदर। STUR is a little bit different, क्योंकि STUR के अंदर आप बजाय इसके कि इस रजिस्टर के अंदर डेटा लेके आए, आप इस रजिस्टर से डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देते हैं। दिस इज़ व्हाट यू डू इन STUR, यू राइट डेटा, ठीक है। सो दिस आर द फाइनल टचेस। सो आइदर यू आर राइटिंग समथिंग टू द रजिस्टर और यू आर राइटिंग समथिंग फ्रॉम द रजिस्टर टू द मेमोरी। आइदर what you are writing in the register is coming directly from the ALU as a result of an R type
or it might be that you are accessing the memory and writing whatever the data you are getting from the memory into the register. Kuch bhi ho sakta hai. Ab ye cheez note kar rahe honge ki hamari shuru ke andar jo pehle jo initial steps the ya jo initial phase thi hamare paas instruction execution ki, that was common to all. Aapne PC mein se wo lena tha, address lena tha aur instruction ko fetch kar lena tha. Uske baad aapke paas register reading aati hai, to almost sare ki sare instructions the registers ko read bhi kar rahi thi. Magar fir humne ye dekha ki kuch jo hai wo ALU ko invoke kar rahi thi for additional purposes. Some of them were invoking it for comparison purposes. Aista aista karke ye deviate hona shuru ho gayi. And reaching the final touches, we have seen that ki hamare paas a different type of instructions hain, unke jo final touches hain wo totally different hain. So R type, for example, directly jo ALU ka result aa raha hai usko register mein save kar rahi hai. Jo memory access hai, it is either reading from the memory and storing into the register, or reading from the register and storing in the memory. Similarly, jo CVZ hai, wo finally ye kar rahi hai ki wo aapke PC ki value ko change kar rahi hai. Aapke PC ki value ko change kar rahi hai. So either it is incremented by 4, agar aapka comparison false ho jata hai, or it is the address of the it is the next instruction address based upon the label that we have given in CBZ. ये तो आपको पता है कि CBZ के अंदर आप एक label दे देते हैं. So depending upon this label, it will calculate the next address. Right? So these are the final touches which are different for the three different type of instructions that we are looking into. Now putting it all together. I started drawing it, but I think this is much better drawn. So let's have a look at what is happening here. देखिए जी, सबसे पहला जो step था वो ये था कि हम PC से कुछ instruction जो है उसको वो कर रहे थे. Sorry, instruction का जो address थे वो fetch कर रहे थे. और वो address फिर जा रहा था instruction memory में. तो instruction memory में उस address के ऊपर जो instruction पड़ी हुई है उसको हम fetch कर रहे हैं. Right, so this is your phase one. जिसमें हमने ये कहा था कि जो PC के अंदर address मौजूद है उसको लेके हम instruction memory में जा रहे हैं, और उस address के ऊपर जो instruction पड़ी है, those 32 bits, उसको हम fetch करके लेके आ रहे हैं अपने processor के अंदर. यहाँ पे लाने के बाद हम read कर रहे हैं registers. एक दो registers read कर रहे हैं, और तीसरा अगर हमारा आर टाइप है तो हम इस रजिस्टर को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं. आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि हमने आफ्टर वी आर डन हमने राइट कहाँ पे करना है. सो फॉर एग्जांपल वी हैड दिस एट राइट एक्स ज़ीरो एंड वी हैड दिस एक्स वन एंड वी हैड दिस एक्स टू. तो हम एक्स वन और एक्स टू को रीड तो कर रहे हैं. ये एक्स वन और एक्स टू को हम रीड तो कर रहे हैं यहाँ पर, अगर एट द सेम टाइम हम ये भी बता रहे हैं कि हमने राइट कहाँ पे करना है. हम ये चीज़ भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हमने इसको राइट कहाँ पे करना है. सो दिस इज़ व्हाट दिस नंबर थिंग सिग्निफाई, रजिस्टर नंबर. राइट, यहाँ पे आपके पास नंबर वन आ रहा है, यू आर रीडिंग फ्राम वन, नंबर टू आ रहा है, यू आर रीडिंग फ्राम टू, और यहाँ पर नंबर ज़ीरो आ रहा है बिकॉज यू आर राइटिंग बैक वन टू रजिस्टर नंबर ज़ीरो. ठीक है, सो यू रीडिंग फ्रॉम द रजिस्टर एंड वंस यू हैव रेड फ्रॉम द रजिस्टर, अगर आपका आर टाइप है देन यू हैव टू डेटा ऑपरेंड्स गोइंग इनटू द एएलयू. अगर आपका एलडीयूआर या एसटीयूआर है, अगेन आपके पास एक डाटा जो है वो रजिस्टर से आ रहा होगा, दिस वन हियर फॉर एग्जांपल एलडीयूआर के केस में और एसटीयूआर के केस में, मगर दूसरा डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन. ये आपके पास इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ से वो डाटा आपने डायरेक्टली सेंड कर दिया ए एल यू को, डायरेक्टली सेंड कर दिया ए एल यू को. ठीक, सो इन केस ऑफ एल यू आर एंड एस टी यू आर आपने जो डाटा था वो डायरेक्टली सेंड कर दिया अपने ए एल यू को. सो दिस माइट बी अ सोल्यूशन फॉर इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस एज वेल. इंस्टेड ऑफ रीडिंग बोथ डाटा फ्रॉम द रजिस्टर, यू रीड वन फ्रॉम द रजिस्टर एंड एन द अदर वर्ड comes directly from the instruction. Okay, right, so in case of two registers, you read two registers and you gave two registers data to the ALU to perform an operation. And in case aapke paas ek register tha aur ek
immediate value थी, you read one register and you provided the other operand directly from the instruction to the ALU, which is for LDUR and STUR, obviously. Comparison के लिए, remember आपके पास CVZ है, CVZ के लिए again you are reading a single register, so you are reading that register here and you are comparing inside the ALU unit. अच्छा, ALU unit का जो output था, so in case of R type, you are writing directly back to the register. So you are writing directly back to the register. ये data आपके पास यहाँ पे वापस आ गया register में. So अगर तो R type था, number आपने already बता दिया है. आपने number already बता दिया कि write कहाँ पे करना है. और data आपके पास आ गया ALU से directly वापस write करने के लिए. और अगर वो LDUR या STUR था, ALU was supposed to calculate the address, तो address उसने calculate कर लिया. अब वो data अगर तो STUR है, अगर तो STUR है, then the data is coming from the register and going to the memory. अगर तो ये STUR है, और अगर LDUR है, then the data is coming from the memory to the register. अगर तो ये LDUR है, right? So LDUR, STUR इस तरह जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आपकी डाटा मेमोरी के साथ. Okay? Hope it's clear. And this is all the explanation what I have just went through. Okay, now there are two things remaining. एक तो ये कि under normal circumstances आपका जो PC है, it will be incremented by 4 right away. So आपका PC जिसके अंदर एड्रेस मौजूद है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जाके इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, एट द सेम टाइम इट इज़ बीन इंक्रीमेंटेड बाय 4. ठीक है, उसको आप 4 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड यू आर सेविंग इट टू द PC अगेन. अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने ब्रांच लेनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस बी केस एंड द CVZ केस. जब ये दो केसेज हैं हमारे पास, देन वी आर नॉट एक्चुअली इंक्रीमेंटिंग PC जस्ट बाई 4, बट वी आर टेकिंग ए ब्रांच और एटलीस्ट वी आर डिसाइडिंग शुड वी टेक अ ब्रांच और नॉट. उस केस में आपकी जो ये PC की वैल्यू है, रिमेंबर इट इज़ PC रिलेटेड एड्रेसिंग मोड, राइट? वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट लेक्चर दैट इट इज़ PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इन आवर ब्रांचिंग्स. PC रिलेटिव मोड है हमारी ब्रांचिंग, जो PC रिलेटिव मोड है. सो वी read the value A from PC and we also read what is gonna be our offset from PC, right? And this is determined by the label which we have in the instruction. Instruction के अंदर जो label होता है वही determine करता है कि हमने PC से कितना आगे या पीछे जाना है, whether it is positive or negative. I think you remember कि ये PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता कैसे है, राइट? सो दीज आर टू थिंग्स दैट वर रिमेनिंग इन दिस डायग्राम एंड आई होप नाउ इट इज प्रीटी मच क्लियर. सो दिस इज बेसिकली द ब्लू प्रिंट ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेसर दैट वी आर डिजाइनिंग. इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डिफरेंट द 8 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दैट वी डिसाइडेड वी वांट टू इम्प्लीमेंट. And these are the basic components which are being used in order to design a processor. Now, before we end, there are a few things that few additional things that we need to mention. सबसे पहली बात तो ये कि जब हम ये देखते हैं, चलिए, let's end our lecture here for today. Thank you for joining and I will see you guys in the scheduled hour. Thank you.